Hello everyone, welcome to Ashwamedh Vidyalay. Myself Firdaus Sheikh. Students, in this video we will continue in our chapter number 13. Today's our topic is so interesting, so let's start. What have your classmates brought for lunch today? अब आपको यहाँ पे आंसर देना है कि आपके क्लासमेट्स जो है वो आज लंच में क्या लाए हैं. तो आप तो बोलोगे टीचर वी आर नाउ प्रेजेंट एट आवर होम, देन हाउ कैन वी गिव आंसर. बट फॉर आई हैव अ वन सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चंस. जस्ट थिंक अबाउट योर सेकेंड स्टैंडर्ड व्हेन यू वर स्टडीड इन देयर एंड थिंक अबाउट व्हाट योर क्लासमेट्स वर टेकन इन दैट लंच बॉक्स एट दैट टाइम. राइट, जब आप सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब आपके जो क्लासमेट्स हैं वो उनके लंच बॉक्स में क्या क्या चीज़ें कौन से खाने की चीज़ें लेके आते थे वो आपको सोचना है और उसके बेस पे ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है. इज दैट क्लियर? सो फाइंड आउट एंड नोट डाउन. हियर आई गिव यू टू एग्जाम्पल, फूड आइटम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो इन माई सजेशन स्टूडेंट्स वर टेकिंग पराठा. आपके क्लास के बच्चे पराठे लाते थे ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पराठा कितने बच्चे लाते होंगे. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 10. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर पराठा, बट इफ़ यू वॉन्ट टू राइट एनी अदर फूड आइटम विच यू नो बेटर देन मी, देन यू विल राइट इन दिस कॉलम. नेक्स्ट सेकेंड आई राइट ढोकड़ा. राइट, ढोकड़ा भी लाते थे आपके फ्रेंड्स लोग सब, तो फिर यहाँ पे हम लिख देते ढोकड़ा कितने लाते होंगे. तो 5 बच्चे हैं जो ढोकड़ा लाते होंगे. ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है पराठा जो 10 बच्चे लाते थे एंड ढोकड़ा टेकन बाय 5 स्टूडेंट्स. ओके, देन हियर इज़ अ 1, 2 एंड 3, टोटल्स आर 5 स्पेस, सो फील बाय योर सेल्फ. नाउ हियर इज़ अ 2 मेन क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ दिस टेबल. फूड आइटम ब्रॉट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो सबसे ज़्यादा बच्चे लाते थे. वो पराठा है, ढोकड़ा है, खिचड़ी है, या फिर कोई और डिश है, सैंडविच है, जो सबसे ज़्यादा लाते हो आपके फ्रेंड, वो डिश का नाम याद यहाँ पे आएगा. फॉर सपोज इट इज़ अ पराठा, देन राइट पराठा हियर. इट इज़ इफ इट इज़ अ ढोकड़ा, देन राइट ढोकड़ा हियर. नेक्स्ट, फूड आइटम ब्रॉट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे कौन सी आइटम लिखनी है जो सबसे कम बच्चे लाते थे आपके फ्रेंड्स जो है वो कभी कभी या कोई भी स्टूडेंट्स वो चीज़ लेके आता था फूड आइटम, तो वो चीज़ का नाम आपको यहाँ पे लिखना है. दैट आइटम विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रॉट बाई. ओके, इज दैट क्लियर? सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. जस्ट थिंक अबाउट योर सेकेंड स्टैंडर्ड एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर वर्कबुक. सो वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.